So let's start with the electronic configuration of different elements, starting from hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. ठीक है बेटा. तो हाइड्रोजन के लिए हम सबसे पहले s ऑर्बिटल भरेंगे, तो दिस इज 1s1, देन 1s2, 1s2, 2s2. क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों s ऑर्बिटल्स जो हैं वो फुली फिल्ड है. पहले हमने एक s ऑर्बिटल भरा, उसमें मैक्सिमम हम दो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं. ठीक है, देन वी शिफ्ट टू द 2s ऑर्बिटल इन विच ऑल्सो वी कैन मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स. ओके, देन 1s2, 2s2, सॉरी 2s1, 1s2, 2s2. फॉर फाइव, अब पांच को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? दो दो इनमें आ गए हैं और नेक्स्ट ऑर्बिटल पे शिफ्ट करेंगे, डेट इज 2p1. ओके, एंड हेयर वी विल बी फॉलोइंग विच रूल? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं तो हमने उनको पहले क्या करना है? सिंगली फिल्ड करना है. ओके, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1. ओके, सो अगेन, अब x के बाद हमने कौन सा ऑर्बिटल फिल किया है? y ऑर्बिटल फिल किया. Then 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1. ठीक है, अब नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखिए. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट्रोजन के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. Why? Because it is having half filled configuration. तीनों के तीनों p ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिंगली फिल्ड है, एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन वी कॉल दिस कॉन्फ़िगरेशन एज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट मार्क्स द स्टेबिलिटी. ठीक है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, दे आर ऑलवेज स्टेबल. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट मुझे किसी ना किसी में तो एंटर करवाना ही पड़ेगा, सो लेट स्टार्ट विद द 2px ऑर्बिटल. ओके, तो 2px में 2 आ जाएगा, 2py में 1 एंड 2pz में अगेन 1. ठीक है, तो यू कैन काउंट 8 बन रहे हैं कि नहीं, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, तो हमने यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है. 8 के बाद ऊपर चलते हैं, 9, 1s2, 2s2, 2px2, 2p अब y2 हो जाएगा और 2pz1 आ जाएगा. ठीक है, अगेन यू कैन काउंट 2, 4, 6, 7, 8 एंड 1, 9. ठीक है, तो हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए. 10 है नियॉन, राइट, 10 इज नियॉन. So this is 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 and 2pz2. Again, this marks the stable configuration. ठीक है, this marks the stable configuration. एक ये stable configuration हो जाती है. This is the half filled configuration and this is the fully filled configuration. ठीक है बेटा, अब उसके बाद next चलते हैं. सोडियम, सोडियम के लिए हम 10 यहां तक लिख सकते हैं, डेट इज नियॉन. ओके, नियॉन की 10 तक लिख सकते हैं. अब 1s हो गया, 2s हो गया, 2p. ठीक है, नाउ विच विल बी द नेक्स्ट ऑर्बिटल बेटा? यस, विच विल बी द नेक्स्ट ऑर्बिटल? 3s ऑर्बिटल. ठीक है, यस दिया, अब हम 3s पे पहुंचेंगे. So this is 3s1. ठीक है बेटा, क्योंकि ये वाले इतनी 10 कॉन्फ़िगरेशन तो हमने यहां से ही उठा लिया. ओके, यस, 3s ऑर्बिटल विल बी देयर.
ओके 12 इज मैग्नीशियम, अगेन नियॉन का 10 एंड 3s क्या आ जाएगा 2, ठीक है 10 प्लस 2 12 हो गए ना अपने आप। हाँ जी क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, अगेन नियॉन 10 3s2। नाउ विच विल बी द नेक्स्ट ऑर्बिटल बेटा, अब कौन सा नेक्स्ट ऑर्बिटल होगा हमारा? 3px1। वेरी गुड 3px1। ठीक है जी 3p ऑर्बिटल विल बी द नेक्स्ट ऑर्बिटल। ओके सो आफ्टर एल्यूमिनियम 14 इज सिलिकॉन, अगेन 3px1 3py1 आएगा, ठीक है क्योंकि हमने अब x के बाद y फिल करना है। 15 इज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन देखिए, उसमें 2px1 था 2py1 2pz1, इसमें क्या है 3px1 3py1 एंड 3pz1, ठीक है और दोनों की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज स्टेबल एक्चुअली, ठीक है। 16 इज सल्फर, अगेन नियॉन 10 3s2 3px2 3py1 एंड 3pz1, राइट क्लियर बेटा। आफ्टर 16 17 इज क्लोरीन, ठीक है क्लोरीन के लिए हम क्या करेंगे? अगेन नियॉन 10 ओके 3s2 3px2 3py2 एंड 3pz1, इट नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑर्बिटल्स द p ऑर्बिटल्स टू फुली फिल्ड द p ऑर्बिटल, ठीक है। इसीलिए जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव आती है, ओके बिकॉज इट इज वेरी मच रेडी टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। ओके तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मैं जो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक्वायर कर लूं, ठीक है। सो इट इज हैविंग मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट विल रेडिली एक्सेप्ट दैट एंड इट विल बिकम स्टेबल। ओके चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। अब नेक्स्ट इज आर्गन, ओके अब आर्गन है नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखेंगे, नियॉन के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। सो 1s2 2s2 2px6 और 2p6 लिख लेते हैं सीधा, ओके 3s2 3p6, ठीक है क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करवाना था हमने, तो ऐड करवाने के बाद अब सारे p ऑर्बिटल्स जो हैं वो फुली फिल्ड हो गए हैं। 2px में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज आर आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ कमिंग टू द 19 इज पोटाशियम, हाँ जी विच विल बी द नेक्स्ट ऑर्बिटल बेटा? नाउ वेरी गुड अंजलि, 4s, दिस इज 4s1। 20 इज कैल्शियम, एंड दिस इज 4s2, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 21 to 30 एलिमेंट्स में। सो स्टार्टिंग विद सेकेंड स्कैंडियम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. हाँ जी, which will be the next orbital beta now? Which is the one? Which is the next? हाँ जी? 3d1. Very good, 3d1. अब मैंने आपको बताया हुआ है कि d orbital चाहे हमने fill
एस के बाद कर रहे हैं बट हमने लिखना पहले है उसको, बिकॉज आफ्टर फिलिंग जो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। आफ्टर फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी 4s ऑर्बिटल से कम हो जाती है, तो अगर आपने इनको यहाँ पर लिखा तो कॉन्फिगरेशन विल बी रॉन्ग। ओके, सो राइटिंग में हमने पहले डी को पहले लिखना है फिर 4s को लिखना है। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, और इसकी राइम मैंने आपको दी हुई है, जस्ट गो थ्रू इट, वेरी इजी दैट इज, ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने फिल कर लिया 18, ठीक है, 19 एंड 20, ये हो जाएगा हमारा 22। तो अब आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करते हैं यहां तक। ओके, नेक्स्ट विल बी 3D3 4S2। ओके, नाउ दिस इज एक्सेप्शन, क्रोमियम पे एक्सेप्शन है, इंस्टेड ऑफ 3D4 इट इज 3D5 एंड हेयर इंस्टेड ऑफ 4S2 इट इज 4S1। देखिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 24 कॉन्फ़िगरेशन को हमने ऐसे लिखना है। 3D4 4S2 की बजाय हमने क्या लिखना है, 3D5 4S1। अगेन फॉर मैंगनीज दिस इज 3D5 4S2, ठीक है, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हमने S में एंटर करवा दिया। उसके बाद आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है बेटा। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दिस इज आर्गन अगेन 18, 3D ने 6 हो जाना है और 4S ने 2 हो जाना, ठीक है। अब सेम ऑर्डर है, कोई चेंज नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाई जाएंगे डी में। अब अगेन द चेंज इज हेयर फॉर 29, ठीक है, 29 के लिए यहां पर 3D9 आना चाहिए था बट एक्चुअली दिस इज 3D10 एंड हेयर दिस इज 4S1, ठीक है। फॉर द जिंक नाउ अगेन आर्गन 18, 3D10, 4S2, ओके। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 21 टू 30 एलिमेंट्स एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3 पॉजिटिव, तो आपको पहले Fe की कॉन्फ़िगरेशन पता होगी तभी आप Fe3 पॉजिटिव निकाल लोगे। Fe3 पॉजिटिव निकालने के बाद आप तभी देखोगे ना इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी है, कितने पेयर्ड हैं, कितने अनपेयर्ड हैं, ठीक है। सिमिलरली यू कैन बी आस्क्ड टू प्रिडिक्ट वेदर दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नॉट, ठीक है, ऐसे आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं कि नहीं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन हैं कि नहीं, क्या कॉन्फ़िगरेशन हैं इनकी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, so these questions they can be from the configuration part, ठीक है, so these questions they can be from the configuration part। अब मैं आपको एक removal करके बता देती हूँ, क्योंकि d block elements जो हैं ये हमने 21 to 30 elements जो पढ़े हैं ना, they are actually the metal, तो ये negative नहीं बनाएंगे, they will be losing electron, जैसे iron है 3 positive 2 positive, zinc है 2 positive, copper 1 positive, copper 2 positive, ठीक है, तो इसमें आपको नेगेटिव्स नहीं पूछेंगे कि Fe2 नेगेटिव बनाइए, नो, बिकॉज दीज आर दी मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये, ठीक है, तो मेटल्स होने के कारण दे विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब लूज कैसे करवाना है, सपोज आई वॉन्ट टू राइट द कॉन्फिग्रेशन फॉर Fe3 पॉजिटिव आयन। अब जब मैंने आपको बताया कि हमने फिलिंग करनी है तो हमने डी को अंदर की तरफ रख के फिल करना है, ठीक है, और 4s2 को हमने बाहर रखना है, यानी कि जब डी की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि डी की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है,
तो डेट मीन्स 4s की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। अब जब हमने इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं, तो हम जब इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं तो वो भी हम लोअर एनर्जी से ही करवाते हैं, द वन विच इज हैविंग द लोअर एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पर भी अब आपने याद रखना है कि जब हमने लूज करवाना है तो हमने सबसे पहले किस में से लूज करवाने हैं, एस में से, नॉट फ्रॉम द डी, हमने सबसे पहले एस में से लूज करवाने हैं, ठीक है। अब मैंने अगर Fe3 पॉजिटिव बनाना है, देखो, तो सबसे पहले मैं ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाऊंगी, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए तो कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी आर्गन 18 3d6, ये मैंने बनाया है Fe2 पॉजिटिव, एंड इफ आई वांट टू फॉर्म Fe3 पॉजिटिव इट विल बी आर्गन 18 3d5, ठीक है बेटा, क्लियर। अब आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, मैक्सिमम ऑफ 10, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 5 बना दिए हैं, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, अब ये सारे ही अकेले अकेले हैं, दैट मींस इट इज हैविंग 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सिमिलरली कैलकुलेट फॉर Zn2 पॉजिटिव और मुझे आंसर बताइए, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन इट, कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर Zn2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव, इन दोनों के लिए निकालिए बेटा। जी बेटा कैलकुलेट फॉर Zn2 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Zn2 पॉजिटिव, वाई, क्योंकि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s2, द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s2, और अगर मैंने Zn2 पॉजिटिव बनाना है डैट मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी लॉस्ट फर्स्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने बाहर निकाल दिए। नाउ क्लियरली यू कैन सी दिस इज 3d10, यानी कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बन रही है ये, ठीक है। तो फुली फिल्ड है यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, पेयर्ड हैं, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके। सो इन दिस वे द क्वेश्चंस दे कैन बी आस्क्ड टू यू। ओके, डू वन मोर क्वेश्चन। यू आर गिवन क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, एंड Mn2 पॉजिटिव, फाइंड आउट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इन दैम। Find out the isoelectronic species in them. That means the species that are having the same number of electrons, we call that as isoelectronic species. ठीक है? चलिए. Find out and give me the answer. यस बेटा, हाँ जी, बी क्विक बेटा, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी थी मैंने। ओके, अंजलि सेइंग कॉपर एंड जिंक,
कॉपर वन पॉजिटिव एंड जिंक टू पॉजिटिव देयर इज द फर्स्ट पेयर दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड एनी अदर पेयर यू कैन फाइंड आउट they both are having how many electrons copper positive and zn2 positive haan ji beta boliye copper positive and zn2 positive mein kitne kitne electrons hain So they both are having 28 electrons. The second pair is Fe3 positive and Mn2 positive. They both are having 23 electrons. ठीक है? Right? चलिए. Let's next do the stability of half filled and fully filled configuration. That why copper और chromium की configurations मैंने ये क्यों लिखी है instead of this why this and why this ठीक है in the similar way sorry this is 3d10 and 4s1 this is 3d9 और chromium के लिए 3D5, 4S1 and 3D4, 4S2. Okay, so what is the reason of their configuration? Firstly, if we talk about the orbital concept of these, ठीक है? तो अगर मैं 3D10 बनाती हूँ So you can see all the d orbitals they are filled, right? All the d orbitals they are filled. और अगर मैं 3D5 बनाती हूँ, all the d orbitals they are half filled. So this is half filled configuration, and this is fully filled configuration. And half filled and fully filled configuration they are very 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 stable as compared to the normal configurations ठीक है जो हम नॉर्मल गैसेस की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो भी तो स्टेबल है क्यों क्योंकि वो भी हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस बनाती हैं ठीक है जो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमेशा फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस बनाती हैं इसीलिए वो स्टेबल है तो हमने भी इन दो एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी कैसे अकाउंट की है that they also form the half filled and the fully filled configurations theek hai and the second factor is exchange energy ka kya matlab hai positions change karni hai apni theek hai यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है वो अपनी पोजीशंस चेंज कर रहा है विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स और जितनी ज़्यादा उसकी पोजीशंस चेंज होती हैं उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है दैट मार्क्स द स्टेबिलिटी ऑफ अगेन दैट कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो हमने ये देखना है कि कितनी जो एक्सचेंज एनर्जी है वो रिलीज हो रही है क्या 3D5 में ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और 3D4 में ओके So let's see which is having more exchange energy. तो उसके लिए हम पहले ये बना लेते हैं हम क्रोमियम का केस करते हैं राइट Now see if I talk about this electron, ये इसके साथ position exchange कर सकता है 2, 3 and 4, ठीक है? तो ये चार positions change कर सकता है।
अब फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी हमने काउंट कर ली है तो हम दोबारा नहीं देखेंगे उसको, तो हम सेकंड वाला काउंट करेंगे। सेकंड वाला फर्दर थ्री पोजीशंस चेंज कर सकता है, राइट। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड वन नाउ, द थर्ड वन इट कैन एक्सचेंज टू पोजीशंस, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट इज फोर्थ वन, और फोर्थ वन कितनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकता है, वन, ठीक है। सो हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर, हाँ जी बेटा, फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, टेन, टेन, वेरी गुड, ठीक है। सो दैट मीन्स टेन पोजीशंस आर देयर, राइट। सो इन दिस द एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड विल बी मोर, ओके। So let's see the next case of 3D3, sorry 3D4. ठीक है, अब 3D4 का केस देख लेते हैं। 1, 2 and 3, ठीक है, थ्री पोजीशंस चेंज हुई, 1 and 2 पोजीशन चेंज हुए, एंड ये अपनी एक पोजीशन चेंज कर सकता है इसके साथ। तो 3 plus 2 is 5 एंड इज इक्वल टू 6। तो इसमें जो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हुई है वो कम है, इसमें एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हुई है वो ज्यादा है, ठीक है बेटा। सो दैट्स व्हाई द 3D5 कॉन्फ़िगरेशन एंड 3D10 कॉन्फ़िगरेशन दे आर वेरी वेरी स्टेबल ड्यू टू देयर हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं और एक दूसरा जो फैक्टर है दैट इज द एक्सचेंज एनर्जी, ओके, ठीक है बेटा। एनी डाउट टू एनीवन, यू कैन आस्क, एनी डाउट टू एनीवन, यू कैन आस्क बेटा। जो 21 टू 30 एलिमेंट्स हैं उनमें आपको सिर्फ कैटायंस पूछे जाएंगे, बट जो उससे पहले वाले एलिमेंट्स हैं 1 टू 20, क्योंकि उनमें कैटायंस भी हैं और एनायंस भी हैं, तो आपको एनायंस भी पूछ सकते हैं, जैसे Cl नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, ऐसे आपको पूछ सकते हैं। P3 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, O2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। बट फ्रॉम 21 टू 30 यू विल बी आस्क्ड ओनली अबाउट द कैटायंस, क्लियर, हाँ जी बेटा।